नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। क्या हिंदू धर्म में बच्चों के आत्माओं को नर्क जाना पड़ता है या नहीं? मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या फिर नरक मिलता है, लेकिन भगवान के रूप माने जाने वाले उन बच्चों का क्या, जिनके बारे में यह सोचा जाता है कि उनकी आत्माओं को नर्क की सजा मिलती है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि बच्चों की मृत्यु के बाद भगवान उनके सारी गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन क्या अल्पायु में मरने वाले बच्चों के साथ भी यही होता है, या फिर उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार नर्क या फिर स्वर्ग भेजा जाता है? पुराणों की माने तो जिन बच्चों की मृत्यु 15 या फिर उससे कम उम्र में हो जाती है, उन्हें नर्क की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। स्वर्ग में खुद भगवान नारायण जी उन बच्चों का स्वागत करते हैं। आमतौर पर मनुष्य को स्वर्ग या नरक उनके कर्मों के आधार पर मिलता है, लेकिन इस उम्र में बच्चों को स्वर्ग और नर्क के साथ साथ कर्मों का ज्ञान नहीं होता। अपने मासूमियत और भोलेपन के कारण बच्चे कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिन्हें उनके माँ बाप तो क्या, खुद भगवान भी मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर बच्चों की आत्मा को स्वर्ग की ही प्राप्ति क्यों होती है? पुराणों में लिखी एक कथा के अनुसार, एक दिन मृत्यु के बाद कुछ बच्चों की आत्माएं स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंची। उन बच्चों की आत्मा को देखकर वहां के द्वारपाल ने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिया, लेकिन द्वार खुलने के बाद भी वह आत्माएं उसके अंदर नहीं गए। चेहरे में मासूमियत लिए इनकी आंखें बस उनके माता पिता को ही ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनके माता पिता के बिना स्वर्ग भी उनके लिए व्यर्थ है। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, बच्चों तुम सब वहाँ द्वार पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए ही खोले गए हैं, यहाँ सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। प्रभु के इतने कहने पर उन सभी बच्चों की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु हम अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन पहले आप यह बताइए कि हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम स्वर्ग के अंदर कैसे आ सकते हैं? बच्चों की आत्माओं की यह बात सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बच्चों तुम्हारे माता पिता अभी जीवित हैं, इसीलिए वह अभी धरती पर ही रहेंगे। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद वह इस लोक में आ पाएंगे। तब बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है प्रभु, हम सभी अपने माता पिता का इंतजार यही द्वार पर ही करेंगे, और जब वह आ जाएंगे तब हम उनके साथ अंदर आएंगे। आत्माओं की यह बात सुनकर विष्णु जी परेशान हो गए और यह सोचने लगे कि इन बच्चों की आत्माओं को कैसे समझाया जाए कि उन बच्चों के माता पिता स्वर्ग नहीं आ सकते। कुछ देर सोचने के बाद विष्णु जी बच्चों से मिलने फिर आए और उन्होंने कहा, बच्चों यह जरूरी नहीं कि तुम सबके माता पिता स्वर्ग ही आएंगे, उन्हें स्वर्ग और नर्क उनके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर बुरे कर्म किए होंगे तो उन्हें नर्क में भेजा जाएगा। धर्म कर्म की बातों से अनजान उन बच्चों की आत्मा नारायण जी से कई तरह के सवाल करते रहे, लेकिन स्वर्ग के अंदर नहीं गए। समय बीतता गया, उन बच्चों के माता पिता को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलता रहा। जिन माता पिता को स्वर्ग मिला उन सभी के बच्चे उनके साथ स्वर्ग के अंदर चले गए, लेकिन कुछ बच्चे अपने माता पिता का इंतजार उसी दरवाजे पर ही कर रहे थे। यह देखकर भगवान नारायण को उनकी चिंता होने लगी। वह एक बार फिर उनके पास गए और कहा, बच्चों तुम्हारे माता पिता ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब तुम लोग भी अपनी जिद छोड़ो और स्वर्ग के अंदर आ जाओ। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर वह आत्माएं भगवान से ही बहस करने लगे।
और उनसे बोलने लगे, प्रभु जब आप हमारी गलतियों को माफ कर सकते हैं तो हमारे माता पिता की क्यों नहीं। इतना ही नहीं, उन बच्चों ने यह भी कहा कि अगर आपके लिए ऐसा करना मुश्किल है तो आप हमें ही उनके पास यानी कि नर्क में भेज दीजिए। यह सुनकर नारायण चौंक गए। उन्होंने उन मासूम आत्माओं को बार बार समझाया लेकिन बच्चों की आत्मा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर में उनके जीत के आगे विष्णु जी ने हार मानकर उनके माता पिता के बुरे कर्मों को माफ करते हुए उन्हें स्वर्ग में जगह दी और फिर माता पिता के साथ सभी बच्चे स्वर्ग में खुशी खुशी प्रवेश करने लगे। तो मित्रों, आज आपने जाना कि बच्चों की आत्माओं को आखिर नर्क क्यों नहीं भेजा जाता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।